आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल फोर्स पर। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम सेंट्रल फोर्स किसे कहते हैं और फिर हम उसके बाद जो है इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम सेंट्रल फोर्स किसे कहते हैं। तो इसे समझने के लिए मान ले कि यहां पर यह एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहां पर जो है यहां पर मान लेते हैं कि ये एक पार्टिकल है पी। तो यहां पर ये मान लेते हैं कि ये एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है, चलिए मान लेते हैं कि यहां पर इसका जो पोजीशन वेक्टर है, ये जो पोजीशन वेक्टर है ये है वेक्टर आर। तो पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया कि यह है वेक्टर आर। अब इस पार्टिकल पर एक फोर्स एक्ट करेगा, वो जो फोर्स है वो या तो यहां पर इस फिक्स्ड पॉइंट की ओर होगा या फिर ये जो फोर्स है इस फिक्स्ड पॉइंट से दूर होगा। अगर फोर्स इस फिक्स्ड पॉइंट की तरफ होगा तो हम कहेंगे कि ये जो फोर्स है ये फोर्स यहां पर अट्रैक्टिव नेचर का है। तो इस केस में हम कहेंगे कि ये जो फोर्स है ये है अट्रैक्टिव नेचर का, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। और जब फोर्स इस फिक्स्ड पॉइंट से दूर होगा तो उस केस में हम इस फोर्स को कहेंगे कि यह है रिपल्सिव नेचर का। तो यहां पर यह वाला जो फोर्स होगा यह हम कहेंगे कि यह है रिपल्सिव नेचर का, मैं यहां भी पूरा नहीं लिख रहा हूं। इसी को हम कहते हैं कि यह है सेंट्रल फोर्स। और यहां पर यह जो आपको पॉइंट दिख रहा है इस पॉइंट को हम कहते हैं यह है सेंटर ऑफ फोर्स। अब यहां पर यह जो सेंट्रल फोर्स है, फोर्स एज वेक्टर, यह किसके बराबर होगा? यह बराबर होगा इसका जो मैग्नीट्यूड है। मैं आपको बता दूं कि ये जो सेंट्रल फोर्स होता है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इस डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, दैट मीन ये आर का एक फंक्शन होता है। तो यहां पर ये होगा एफ आर। सो ये हो गया इस फोर्स का मैग्नीट्यूड। लेकिन फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी होगा। तो उस डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस पोजिशन वेक्टर के डायरेक्शन से। देखिए ये जो पोजिशन वेक्टर है इसका जो डायरेक्शन होगा हम वही कहेंगे कि इस फोर्स का भी डायरेक्शन है, इस सेंट्रल फोर्स का भी वही डायरेक्शन है। तो अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है पोजीशन वेक्टर, तो इसके पास भी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होगा। तो यहां पर ये जो वेक्टर आर है ये किसके बराबर होगा? इसका जो मैग्नीट्यूड है जो कि है यहां पर आर इंटू यहां पर ये जो है आर कैप। So, ये R ये तो मैग्नीट्यूड हो गया और ये R कैप ये इस पोजीशन वेक्टर R का डायरेक्शन हो गया। इसे आप जो है यूनिट वेक्टर एलॉन्ग वेक्टर R भी कह सकते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे सिंपली कि ये हो गया इनटू R कैप, ये जो है सेंट्रल फोर्स के डायरेक्शन को बता रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया और इस सिस्टम में जो है इस सिस्टम में मान लेते हैं कि यहां पर जो है यहां पर ये एक पार्टिकल है जो कि इस फिक्स्ड पॉइंट पर है, जो कि यहां पर हम मानेंगे कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये स्टेशनरी है। और एक और पार्टिकल यहां पर चूज कर लेते हैं, चलिए मान लेते हैं कि यहां पर जो है यहां पर ये एक और पार्टिकल है। सो यहां पर इसका जो मास है मान लेते हैं ये है एम टू और इसका जो मास है मान लेते हैं कि यह है एम वन। तो अभी एम वन का जो पोजीशन वेक्टर है वो देखें तो यहां पर इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ये होगा। हम मान लेते हैं कि ये जो पोजीशन वेक्टर है यह है वेक्टर, यह है वेक्टर आर। तो यहां पर इन दोनों ही पार्टिकल में एक्ट करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जिससे कि हम कह सकते हैं कि यह दोनों ही पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो अगर आप M1 को देखें तो M1 पर जो है एक फोर्स एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, M2 जो है इस M1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस फोर्स को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये जो फोर्स है ये है फोर्स 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 ऑन द फर्स्ट पार्टिकल, फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकेंड पार्टिकल। तो ये किसके बराबर होगा? यहां पर ये जो फोर्स है फोर्स F12 ये बराबर होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें पता है कि ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और फिर इनटू इन दोनों ही मास का प्रोडक्ट।
सो एम वन इंटू एम टू डिवाइडेड बाय यहां पर इन दोनों मासेज के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो यहां पर ये यह होगा आर का स्क्वायर। और हम डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, हम यहां पर कर देंगे सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे हम आर कैप से। अब देखें फोर्स जो है, ये फोर्स इस फिक्स्ड पॉइंट की तरफ एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है फोर्स वेक्टर। लेकिन ये जो पोजीशन वेक्टर है वो देखें वो इस डायरेक्शन में है, एग्जैक्टली इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसीलिए हम यहां पर एक नेगेटिव साइन डाल देंगे। तो ये हो गया फोर्स एफ वन टू। तो अब एक और जो है सेंट्रल फोर्स का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यहां पर ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, और इस सिस्टम में जो है, इस सिस्टम में मान लेते हैं कि एक चार्ज है, एक चार्ज है जो कि इस फिक्स्ड पॉइंट पर है, और ये जो चार्ज है ये यहां पर स्टेशनरी है। तो यहां पर ये जो चार्ज है ये इस ओरिजिन पर है जो कि फिक्स्ड पॉइंट है, और ये जो चार्ज है मान लेते हैं कि ये चार्ज है प्लस प्लस क्यू टू। अब एक और चार्ज मान लेते हैं, तो यहां पर एक और चार्ज मान लेते हैं जो कि यहां पर है। चलिए मान लेते हैं कि ये चार्ज यहां पर है, ये जो चार्ज है ये मान लेते हैं कि यहां पर ये जो चार्ज है ये है, ये है प्लस क्यू वन। तो अब इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हम मान लेते हैं कि यहां पर इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो पोजीशन वेक्टर यहां पर भी है वेक्टर आर। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर इस चार्ज क्यू वन का। तो यहां पर क्लियर है कि दोनों ही चार्ज पॉजिटिव चार्ज हैं, तो यहां पर एक्ट करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि यहां पर रिपल्सिव नेचर का होगा। दोनों ही चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर आप यहां पर इस Q1 को देखें तो इस पर जो फोर्स एक्ट करेगा वो फोर्स यहां पर जो है वो फोर्स यहां पर इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में। तो यहां पर ये जो फोर्स है ये है फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। तो यहां पर ये रिपल्सिव नेचर का है जो कि हम कह सकते हैं कि इस फिक्स्ड पॉइंट से दूर है। तो यहां पर ये जो फोर्स होगा इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम कहेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि रिपल्सिव नेचर का है ये है एफ वन टू, ये बराबर होगा वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहां पर क्यू वन इंटू क्यू टू होगा। सो क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइडेड बाय इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो यहां पर ये हो गया आर का स्क्वायर, और फिर हमें यहां पर आर कैप लिखना होगा। तो अब देखें ये जो फोर्स वेक्टर है ये यहां पर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और इस पोजीशन वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो भी उसी डायरेक्शन में है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो इसीलिए हम यहां पर इसे जो है पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो ये हो गया सेंट्रल फोर्स का एग्जाम्पल। अब आगे बढ़ते हैं और हम इसके जो है कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पर भी बात करेंगे। तो यहां पर इसका जो पहला प्रॉपर्टी है वो ये कहता है कि द सेंट्रल फोर्स इज अट्रैक्टिव इफ एफ आर लेस देन जीरो, अर्थात एफ आर का वैल्यू निगेटिव हो। अगर एफ आर का वैल्यू निगेटिव होगा तो उस केस में जो सेंट्रल फोर्स है वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, और अगर एफ आर का वैल्यू जीरो से बड़ा हुआ अर्थात पॉजिटिव हुआ तो उस केस में जो सेंट्रल फोर्स होगा वो रिपल्सिव नेचर का होगा। तो अगर आप यहां पर जो है इसे इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इस केस में ये जो एफ आर का वैल्यू होगा, यहां पर ये जो एफ आर होगा ये बराबर होगा माइनस जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहां पर एफ आर का वैल्यू ये एक नेगेटिव वैल्यू है, तो जब नेगेटिव होगा तो एफ आर जो है ये अट्रैक्टिव नेचर का होगा, और यहां पर ये क्लियर है कि ये जो फोर्स है यहां पर अट्रैक्टिव नेचर का है, दैट मीन ये इस फिक्स्ड पॉइंट की ओर है, देखें। और अगर आप इसे इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहां पर ये जो एफ आर होगा ये बराबर होगा वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के। तो ये जो है ये तो पॉजिटिव हो गया अर्थात ये जीरो से बड़ा हो गया, तो
तो जब जीरो से बड़ा होगा एफ आर का वैल्यू, तो फिर वहां पर रिपल्सिव नेचर का फोर्स होगा। जो सेंट्रल फोर्स है वो रिपल्सिव नेचर का होगा, और यहां पर ये क्लियर है कि ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है यहां पर ये रिपल्सिव नेचर का है। तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टी, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये जो दूसरा प्रॉपर्टी है इस पर हम बात करेंगे। तो इसका जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो ये कहता है कि द सेंट्रल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, अर्थात द वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। सेंट्रल फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स होने का मतलब यह है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो जो हम काम करते हैं वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। चलिए मान ले कि यहां पर ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। सो यहां पर ये एक्स एक्सिस, यहां पर ये हो गया वाई एक्सिस, और यहां पर जो है ये हो गया जेड एक्सिस, और ये हो गया फिक्स्ड पॉइंट। तो मान ले कि यहां पर जो सेंट्रल फोर्स एक्ट कर रहा है वो यहां पर सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है। दैट मीन यहां पर ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, मुझे कहना चाहिए कि यहां पर इसकी तरफ यहां पर एक्ट कर रहा है, ये हो गया यहां पर सेंट्रल फोर्स एफ। अब अगर मान ले कि यहां पर ये एक पार्टिकल है, चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये एक पार्टिकल है। अब इस पार्टिकल को आपको इस पॉइंट से यहां तक लाना है। तो अगर आप इसी पार्टिकल को जो है यहां से कुछ ऐसे लेके जाते हैं, तो आपने कुछ काम किया यहां पर, मान लेते हैं कि ये जो आपने काम किया ये है डब्ल्यू वन, और अगर आप इसी पार्टिकल को यहां पर सीधा ऐसे लेके चले जाते हैं ऐसे, तो फिर इस केस में जो आपने काम किया यहां से यहां तक लाने में इस पाथ में, वो हमने मान लिया वो है यहां पर डब्ल्यू टू, और इसी पार्टिकल को आप यहां पर घुमा करके कुछ ऐसे ला रहे हैं कुछ इस तरह से, तो इस केस में जो आपने काम किया ये मान लेते हैं ये है डब्ल्यू थ्री। तो यहां पर W1 बराबर होगा W2 के, और ये भी बराबर होगा W3 के। तीनों ही केस में आप बराबर काम करेंगे क्योंकि ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। सो W1 यहां पर ये बराबर होगा W2 के, और ये भी बराबर होगा W3 के। सो यहां पर ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। आप किसी भी पाथ से ले जाएं इस पॉइंट तक ऑब्जेक्ट को, आपको बराबर ही काम करना होगा। देखिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये पाथ पर डिपेंड क्यों नहीं करता है, तो मैं एक वीडियो का लिंक यहां सजेस्टेड वीडियोज में डाल दे रहा हूं, जो कि है कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का। उस वीडियो में आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये पाथ पर डिपेंड क्यों नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं, और ये जो तीसरा प्रॉपर्टी है वो ये कहता है कि इन ए सेंट्रल फोर्स मोशन टॉर्क एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो। देखिये, जो मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स का जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है वो ये है कि जो प्लैनेट है जो कि सूरज के चारों तरफ घूम रहा है, वो एक बढ़िया एग्जाम्पल है मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स का। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे कि जैसे कि एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन जो है एक प्रोटॉन के चारों तरफ घूम रहा है, वो भी मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स का एग्जाम्पल है। तो अभी मान लेते हैं कि ये जो धरती है जो कि सूरज के चारों तरफ इस ऑर्बिट में घूम रही है, तो ये मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स का एक एग्जाम्पल हो गया। अब ये जो धरती है, अभी अगर आप देखें तो इसका जो वेलोसिटी होगा, जो लीनियर वेलोसिटी होगा यहां पर, वो यहां पर देखें तो वो इस डायरेक्शन में होगा। ये होगा इसका लीनियर वेलोसिटी, ये होगा वेलोसिटी वेक्टर, और इस अर्थ का जो पोजिशन वैक्टर है वो मान लेते हैं वो यहां पर ये है पोजीशन वेक्टर, जो कि है मान लेते हैं ये है वेक्टर आर। ये पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया कि है वेक्टर आर। तो अभी अगर आप अर्थ को देखें, ये जो धरती है इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, दैट मीन ये जो सन है ये अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो यहां पर जो है वो यहां पर इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ये होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, हम कहेंगे कि यही यहां पर सेंट्रल फोर्स हो गया। तो मान लेते हैं कि यहां पर ये जो फोर्स है, ये फोर्स यहां पर है F वेक्टर। तो ये हो गया यहां पर सेंट्रल फोर्स, जो कि यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ही है।
तो हमें यह देखना है कि यह जो अर्थ है इस पर टॉर्क जीरो है। टॉर्क होता क्या है? देखिए टॉर्क जो होता है, टॉर्क अगर आप टॉर्क के मैग्नीट्यूड को देखें तो ये जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है ये बराबर होता है, ये जो पोजीशन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड आर इंटू यहां पर ये जो फोर्स वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, फोर्स वेक्टर और वेक्टर आर के बीच का जो एंगल है वो। तो फोर्स वेक्टर यहां पर इस डायरेक्शन में हो गया, पोजीशन वेक्टर देखें तो एग्जैक्टली इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये एंटी पैरेलल हो गया, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा। तो यहां पर ये हो गया 180 डिग्री। सो हमें पता है कि साइन ऑफ 180 डिग्री का वैल्यू जीरो होता है, जैसे ही हम यहां पर जीरो रखेंगे वैसे ही यहां पर ये जो टॉर्क है ये सिंपली जीरो बन जाएगा। तो यहां पर हम कहेंगे कि ये जो टॉर्क है इस केस में ये जीरो है। तो ये हो गया इसका तीसरा प्रॉपर्टी। तो अब बात कर लेते हैं कि ये जो चौथा प्रॉपर्टी है ये क्या कहता है। सो चौथा प्रॉपर्टी ये कहता है कि इन ए सेंट्रल फोर्स मोशन एंगुलर मोमेंटम रिमेंस कंजर्व्ड। यहां पर ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये हमेशा जो है कंजर्व्ड रहेगा इस अर्थ का। क्यों? क्योंकि ये जो अर्थ है ये कुछ इस तरह से जो है सूरज के चारों तरफ घूम रही है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा इस अर्थ का, और वो जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, उसका जो मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इसे समझने के लिए यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि ये सूरज के चारों तरफ घूम रही है तो यही होगा इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि इसे सूरज से होकर के पार हो रहा है। तो अगर आप एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन को देखें तो आप ये पाएंगे कि उसका जो डायरेक्शन होगा वो यहां पर इस डायरेक्शन में होगा। देखिए अगर आपको एंगुलर मोमेंटम के बारे में नॉलेज अभी तक नहीं है कि इसके डायरेक्शन को हम किस तरह से पता करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, तो उसके लिए इस चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। आप YouTube के सर्च बार में लिखें एंगुलर मोमेंटम ट्रू पॉइंट, आपको वो वीडियो दिख जाएगा। सो एंगुलर मोमेंटम का यहां पर ये हो गया डायरेक्शन ऊपर की तरफ यहां पर। तो अब हमें पता है कि dl वेक्टर, सो dl वेक्टर बाई dt ये बराबर होता है टॉर्क एच वेक्टर के। तो अब टॉर्क तो हमें पता है कि जीरो है, सो यहां से हम कह सकते हैं कि dl वेक्टर डिवाइडेड बाय dt ये बराबर हो गया जीरो के, क्योंकि हमने प्रूफ किया है कि जो टॉर्क है ये जीरो है, सो इसके जगह पर हमने पुट कर दिया जीरो। तो जैसे हम जीरो पुट करेंगे वैसे ही ये जो एंगुलर मोमेंटम एज वेक्टर होगा ये यहां से कांस्टेंट हो जाएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी कांस्टेंट रहेगा और इसका जो डायरेक्शन है वो भी कांस्टेंट रहेगा। सो इस तरह से हम कहते हैं कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है इस अर्थ का यहां पर ये कांस्टेंट है, चाहे अर्थ घूमते हुए यहां पर हो तब भी एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन यही होगा और मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, चाहे अर्थ घूमते हुए यहां पर हो तब भी उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पर ये हो गया इसका चौथा प्रॉपर्टी। अब बात कर लेते हैं कि ये जो इसका आखिरी प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है। तो इसका आखिरी प्रॉपर्टी ये कहता है कि द मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज कन्फाइंड टू ए प्लेन। मतलब यह है कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है और ये जो पोजीशन वेक्टर आर है इसे एक ही प्लेन में एक्ट करना है। कैसे एक्ट करेगा चलिए देख लेते हैं। सो यहां पर हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पर ये मान लेते हैं कि ये हो गया एक्स एक्सिस और यहां पर ये वाला जो एक्सिस है ये हो गया मान लेते हैं वाई एक्सिस और यहां पर ये वाला जो एक्सिस है ये मान लेते हैं कि यहां पर ये हो गया जेड एक्सिस। तो अब ये जो एक्सिस है वाई ये यहां पर जो है इस जेड एक्सिस पर और इस एक्स एक्सिस पर ये जो है ये परपेंडिकुलर है। दैट मीन ये जो ऑर्बिट है जिसमें कि ये अर्थ घूम रहा है उस पर ये जो एक्सिस है ये परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये है कि ये जो वेक्टर आर है और ये जो वेलोसिटी वेक्टर भी है दोनों ही एक्स जेड प्लेन में है और हमें यही देखना है कि ये हमेशा जो है वेक्टर आर और वेक्टर भी इसी एक्स जेड प्लेन में रहेगा। कैसे रहेगा? देखिए एंगुलर मोमेंटम ये कंजर्व्ड है, इसके डायरेक्शन को हमेशा इसी डायरेक्शन में होना है
अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब यह है कि ये जो वेक्टर आर और वेक्टर वी है इसे इसी प्लेन में एक्ट करना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये चेंज हो जाएगा, लेकिन हमने इससे पहले बात किया है कि ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है ये हमेशा कंजर्व रहता है। तो अगर हमेशा इसे इसी डायरेक्शन में रहना है तो इसका मतलब यह है कि वेक्टर आर और वेक्टर वी को हमेशा इसी प्लेन में रहना होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी हेल्प मिली है मेरे वीडियो से तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड में भी शेयर करें इस वीडियो को। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।